Hey girls, I'm Veena. Welcome back to my channel. So girls, I'm making fabric earring today. I'm making Tabi's pendant earring. These days, these are earrings so trendy. So I decided to share this with you. This is so basic method. Just need to cut the cardboard and cover the cardboard from the fabric and apply glue and start to fold the edging. Honestly, this is so basic method. शूज़ का जो कार्डबोर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझसे पूछा है कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड का अल्टरनेटिव ऑप्शन MDF शीट है, विच इज़ कॉल्ड वुडन शीट। आप वुडन शीट यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक वो स्ट्रांग होती है एंड उसमें होल्स करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप पंचिंग टूल्स उसमें होल्स कर सकते हैं वो, बट एटलीस्ट उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जिस शेप के आपको बनाना है उसका प्री ऑर्डर देके एंड देन आपको वो मिलेगा। तो उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंदी है, सो मैं सबसे ज़्यादा कार्डबोर्ड ही प्रेफर करती हूँ। सो ये रीज़न है कि मैं हमेशा मेरे ईयरिंग्स में कार्डबोर्ड यूज़ करती हूँ। मेक श्योर द कार्डबोर्ड क्वालिटी इज़ गुड, ज़्यादा एयर बबल नहीं होने चाहिए, तो वो कार्डबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है। सो बस उसमें आपको 4 to 5 झुमके ऐड करना है एंड झुमके ऐड करने के बाद में वी नीड टू अटैच सिल्वर लोरियल्स। सिल्वर लोरियल्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग सिल्वर झुमका, सिल्वर जंप रिंग, सो एंड सिल्वर मटीरियल एज वेल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो विद द गोल्डन देन यू हैव टू यूज़ ऑल मटीरियल गोल्डन। तो अभी मैं जो मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ ये एक्चुअल में एंड कनेक्टर है। सो एंड कनेक्टर के लिए यूज़ होता है, बट आई थॉट कि इसका वेट बहुत कम है। आजकल ताबीज़ पेंडेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो मैं हमेशा एक ये चीज़ प्रेफर करती हूँ कि मैं जब भी ईयरिंग बनाऊँ इसका वेट थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, सो वी कैन वेयर ईजीली, थोड़ा पेनफुल ना हो। इतने टाइप की ईयरिंग्स आजकल कोई नहीं पहनता है, एंड पहनता भी है तो वो लाइट वेट होने चाहिए। सो मेक श्योर आप अपने ईयरिंग्स में एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें, फर्स्ट फिनिशिंग, सेकंड जो है वो लाइट वेट होने चाहिए, एंड थर्ड कलर कॉम्बिनेशन एंड मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन होता है इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। उससे ईयरिंग्स बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसको आप किसी भी इंडियन फ्रॉक्स के साथ में स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो मैं ये फ्रॉक ऑलरेडी एक वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। पहनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी टैकी ईयरिंग्स नहीं है। आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं साड़ी या फिर कोई भी प्लेन आउटफिट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।